हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फिलहाल मैं हूँ किचन के अंदर और मैं बना रही हूँ चावल। एक्चुअली क्या है ना कि मैं मॉर्निंग में मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह तो ले लिए थे और उसके बाद मेरे को कुछ स्टिचिंग करनी थी, तो मैंने कहा स्टिचिंग करती, क्योंकि जब धूप हो जाती है तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता स्टिचिंग करने का, और ज़रूरी था स्टिचिंग करना। तो मैंने जस्ट मॉर्निंग में ही स्टिचिंग कर लूँगी 9-10 बजे तक जितना हो सकेगा। तो मैं 6:30-7 बजे जगी जाती हूँ। फिर मैंने पहले ड्राई फ्रूट वगैरह लिया और उसके बाद ग्लूकोन डी ली, एक गिलास मैंने ग्लूकोन डी लिया है। और उसके बाद मैंने जो स्टिचिंग करना था वो किया, अभी थोड़ी बहुत बाकी भी है और थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लग गई थी, तो मैंने कहा खा लेती हूँ कुछ। और भैया भाभी और एंजल तो गए हैं दवाई लेने के लिए, एंजल के लिए, तो वो लोग चले गए। तो मुझे चावल खाने का मन था तो मैंने कहा चलो थोड़ी चावल बना लेती हूँ। रोटी भाई बना रखी है बट मेरा चावल खाने का मन था तो थोड़ा सा चावल बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। और मैं ऐसे खुले में बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा चावल बन था, तो अब कुकर वगैरह में बनाएंगे तो मतलब इतना बड़ा कुकर है, चावल थोड़ा सा ही बनाना है, तो इस वजह से मैंने खुले में ही बना लिया है। मैंने कहा खुले में ही बना लेती हूँ, इससे ओपन में बनाने से कि बर्तन जो है ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा, तो बड़ा सारा बर्तन दिखता है धोने में, थोड़ा सा आलस टाइप में आता है। तो इसीलिए मैंने जिगर को बोला कि चलो हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। और अभी तो बस, अभी तो मुझे नहाना भी, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो भी मुझे बोलने लग रहे थे, बोल रहे थे कि सब काम छोड़ के पहले खा लिया करो खाना, क्योंकि ऐसे में खाना खाना ज़रूरी है, नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। टाइम टाइम से खाना खाया करो। बस अभी मैंने सोचा है कि पहले मैं जो है अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी और उसके बाद जो काम होगा वो मैं करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और अभी टी टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने चिप्स तले थे, जो हमने भी पोटैटो चिप्स कट किए थे ना, वो वाले चिप्स तले थे। और जिगर काफ़ी दिनों से मंचूरियन खाने के लिए कह रहा था, तो पत्ता गोभी पड़ा था, तो मैंने जिगर के लिए घर पे ही मंचूरियन बनाया था। वो कई दिनों से कह रहा था कि दीदी मंचूरियन बना दो, तो बनाया। और थोड़ी सी चाय उसको दी थी मैंने, थोड़ी सी मैंने ली थी, तो वही हम दोनों जाने वही खा पी रहे थे। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं जिगर को उठा रही हूँ, और मैं उसे हमेशा झूठ बोल के उठाती हूँ। कभी मैं कहती हूँ स्कूल नहीं जाना क्या, बस आएगी तो ऐसे ही जाओगे क्या, तो ऐसे झूठ बोलती रहती हूँ। या कभी कहती हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, देखो कहाँ सूरज निकल गया है, कितनी धूप हो गई है, टाइम देखो 10 बज गई है, ऐसे ऐसे बोल के मैं उसको जगाती हूँ। तो वही मैं उसको उठा रही थी क्योंकि जिगर मेरे पास ही सोता है, मम्मी पापा हैं नहीं, बुआ के हैं, तो जिगर है जो वो मेरे पास होता है, उसको मैं अपने पास ही सुलाती हूँ। एंजल तो अपनी मम्मी के बिना नहीं सोती है, तो उसको नहीं सुलाती मैं। तो गाइस, मेरी दोपहर से तबीयत खराब हो रही है और अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो मैंने अभी भैया को बोला है कि डॉक्टर के पास चलते हैं चेकअप कराने के लिए कुछ। तो वही भैया बोले हैं कि तैयार हो जाओ, तो मैं तैयार हुई हूँ। ज़्यादा मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मली मेकअप में ही हूँ, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, मन ही नहीं कर रहा। पर इतनी थकावट सी हो रही ना कि कुछ करने का मन नहीं, खड़ा होने का भी मन नहीं कर रहा, जितना घबरा रहा है। तो बस अभी डॉक्टर के पास ही जाने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मेडिसिन लेके मैं आ चुकी हूँ और मैंने खाना खा भी लिया है और मेडिसिन भी खा ली है। मुझे ना फीवर हो गया था और जो मेरा बीपी था वो भी लो गया था, बहुत ज़्यादा लो था, इसी वजह से मुझे वॉमिटिंग आ रही थी। मैं दोपहर से मतलब मुझे वॉमिटिंग आ रही थी और वॉमिटिंग में ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा था, बस ये था कि वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है। और जब मैं वॉमिटिंग कर रही थी तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था वॉमिटिंग में, लेकिन बार बार मुझे वॉमिटिंग आई थी। बीपी लो था शायद इस वजह से, या फीवर था इस वजह से। थोड़ा सा भी मैं खड़ा हो रही थी ना, खड़े होते ही मुझे चक्कर आने लग रहे थे और जो वॉमिटिंग है वो आने लग रही थी। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि फीवर भी है और जो बीपी है वो भी काफ़ी लो है, तो उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया था डॉक्टर ने और मेडिसिन दिए। तो अभी मैं घर आके मैंने जो है अपना डिनर कर लिया और मेडिसिन भी ले ली, और ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अब मैं सोऊंगी, मुझे नींद आ रही है। तो गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।